वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के ऑक्शन के बारे में और बात करेंगे पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल के ऑक्शन के बारे में। जैसे मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिकेटर की लिस्ट में मिचेल स्टार्क का पहला नंबर है, जिनको 24 करोड़, उसके बाद पैट कमिंस को 20 करोड़, सैम करन को 18 करोड़, कैमरन ग्रीन को 17 करोड़ और बेन स्टोक्स को 16 करोड़ में खरीदा गया। इसके बाद बात करेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जिसमें बहुत सारे नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जिनमें से बुरा साहिम योग और आजम खान शामिल है। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शोएब मलिक पर हमें आजाद को रखा जाएगा, लेकिन नवाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है, इसलिए नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया। शादाब खान को इंजरी के बायस बाहर कर दिया गया, नवाज को टीम में रखा गया है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दिन भर की तमाम क्रिकेटिंग अपडेट्स को 1 मिनट के अंदर समाप्त करके आप तक पहुँचाया जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।